वकार शफकत मोहसन ऑफ गुजरात, इनके अलावा जनाब जाकर मीसम अब्बास तलहाड़ा, इनके अलावा अलामा हसनैन हैदर बाजवा साहब और जाकर अली इमाम जाफरी ऑफ शेखपुरा, तमाम अहले इस्लाम से शिरकत की पुरजोर अपील की जाती है कि 15 रबीउल अव्वल इसी इमाम बारगाह में पहुँच कर जश्न ज़हूर साद कैन सुनकर स्वाब दरैन हासिल करें। बाबा दे बुलंदतर सलावात मजलस कलाम समात फरमाएं। 2 सितंबर टोंग बुचा नजद वांडो, जिसमें खतीब आले मोहम्मद सरमाया मिल्लत जाफरिया अलामा अज़हर अब्बास हैदरी आफरावाली, बाबा सैयद जरगाम शाह आफ चंग, इनके अलावा अली नकी नकवी आफ कंग, जनाब आसफ रजा गोंदल साहब, इनके अलावा दीगर उलमा कराम व ज़ाकरीन अज़ाम खिताब फरमाएंगे। यह मजलस सुबह 9 बजे शुरू होगी टोंग बुचा, तमाम मोमिनीन से शिरकत की पुरजोर इस्तदा है। 22 सफर कोटली शमस, जिसमें मुल्क के नामवर ज़ाकरीन व उलमा कराम अज़ाम खिताब फरमाएंगे। ये मजलस सुबह 9 बजे से लेकर रात तक जारी सारी रहेगी, तमाम मोमिनीन से शिरकत की पुरजोर अपील है। 20 सफर मजलस अदा मरकजी इमाम बारगाह मरकजी इमाम बारगाह 17 संधवा में, जिसमें इबला आबद अली आबद आफ कोटली शमस, अख्तर हुसैन काजमी साहब, जाकर हसन रजा लाहौर, जाकर हसन रजा लाहौर, जाकर नवाब वकार डंडू, अलामा इम्तियाज काजमी साहब, इनके अलावा दीगर उलमा कराम अज़ाम खिताब फरमाएंगे। ये एक और अलाम समात फरमाएं। 16 सफर बमकाम मरकजी इमाम बारगाह 17 संधवा, जिसमें मुल्क के नाम रज़ाकरीन व उलमा कराम अज़ाम खिताब फरमाएंगे। ये मजलिस सुबह 9 बजे से लेकर रात तक जारी और सारी रहेगी। बाबा दे बुलंदतर सलावात। अब आपके सामने शहनशाह ज़िक्र मसाइब जनाब जाकर मीसम अब्बास तलहाड़ा, जो कि अपने मखसूस अंदाज में फजैल मुसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे।